सौ खबर। विवादों घिरी सुषमा स्वराज के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलाया विदेश मंत्री का पुतला। सुषमा स्वराज विवाद पर बैंगलोर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पोस्टर जलाया। सुषमा स्वराज के खिलाफ दिल्ली में सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता, विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। भोपाल में भी सुषमा स्वराज के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, पूछा क्यों नहीं विदेश मंत्री को बर्खास्त कर रहे प्रधानमंत्री। पटना में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जलाया सुषमा स्वराज का पुतला, विदेश मंत्री से की इस्तीफे की मांग। तूल पकड़ता जा रहा है सुषमा स्वराज और ललित मोदी विवाद, पुणे में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सुषमा विवाद पर पहली बार बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा उन्होंने जो किया अच्छी नीयत से किया। सुषमा विवाद पर कांग्रेस का दावा, आनंद शर्मा बोले पुर्तगाल में नहीं हुई ललित की पत्नी मीनल की सर्जरी, एसआईटी को सौंपा जाए जांच। ललित मोदी को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान के सीएम पर साधा निशाना, गुरदास कामत बोले वसुंधरा बताएं कि क्या उन्होंने भी पूर्व आईपीएल कमिश्नर की मदद की। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन, जांजगीर में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किसानों के साथ की 10 किलोमीटर की पदयात्रा। बिहार में गहराया बीजेपी की सीएम उम्मीदवारी का विवाद, अनंत कुमार बोले मोदी बनाम नीतीश होगा चुनाव, सुशील मोदी ने कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया दावा। बेगूसराय में कहा बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़े मोदी तो मिलेगी करारी शिकस्त। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बयान पर बड़ा बवाल, लखनऊ में मुस्लिम संगठनों ने जलाया लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पुतला। आजम खान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का विवादास्पद बयान, कहा हमें उलमाओं से आती है वो, बाद में दी सफाई। योग दिवस को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मुसलमानों पर कसा तंज, एटा में बोले इस्लाम विरोधी है सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले। वडोदरा में बड़े पैमाने पर चल रही योग दिवस की तैयारियां, एक संस्था ने शहर में 14 जगहों पर लगाए हैं कैंप। योग दिवस के लिए गुजरात के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जारी किया फरमान, 8वीं से 12वीं तक के क्लास के सभी छात्र लेंगे हिस्सा। 2 लाख से ज्यादा लोगों को योग कराने की तैयारी में जुटा बाड़मेर प्रशासन, निजी कर्मचारियों के हजारों कर्मचारियों को भी दिया गया न्योता। खगड़िया की 12 साल की बच्ची ने योग में हासिल की है महारत, योग गुरु रामदेव ने श्रेया को दी है योग परी की उपाधि। मोदी सरकार के कमान संभालने के बाद पहली बार अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास की बैठक, रामविलास वेदांती ने बजाया विरोध का बिगुल। प्रधानमंत्री से मिले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, मानिक सरकार ने रखी पूर्वोत्तर राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने किया बड़े मदद का ऐलान, कुल 5,000 करोड़ देगा केंद्र। जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार पर कांग्रेस का निशाना, गुलाम नबी आजाद बोले संघ के एजेंडे पर चल रही है सरकार, दिन ब दिन खराब हो रहे हालात। यूपी के बिजनौर में आजम खान के सुरक्षा गार्डों पर महिला से बदसलूकी का आरोप, मंत्री से मिलना चाहती थी महिला लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने दिया धक्का। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मनमोहन सिंह पर कसा तंज, कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोले मौन रहने के कारण अच्छे पति साबित हुए पूर्व पीएम। एनसीपी नेता छगन भुजबल पर कसा पुलिस का शिकंजा, महाराष्ट्र सदन घोटाले को लेकर मुंबई में 17 जगह पर छापेमारी। नासिक में भी छगन भुजबल के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई, घर और ऑफिस समेत कई जगहों पर छापेमारी। मिथुन चक्रवर्ती ने ईडी को वापस किए करीब 1,20,00,000 रुपए, शारदा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राज्यसभा सांसद ने लिए थे पैसे। दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने दागे वाटर कैनन। पुणे में एफटीआई छात्रों को मिला एनसीपी का समर्थन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंस्टीट्यूट के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, अध्यक्ष गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग। दिल्ली में भी सुनाई दे रही है एफटीआई विवाद की धमक, सूचना प्रसारण मंत्रालय के बाहर आयसा के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में छात्रों पर बरसी पुलिस की लाठियां, एक निजी संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट्स। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ से फेंके गए बम। कानपुर में रोडवेज नेताओं की सरेआम गुंडागर्दी, प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवरों को जमकर पीटा, मूक दर्शक बनी देखती रही पुलिस। मथुरा में 250 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा, मतदाता सूची का रिवीजन नहीं करने के आरोप में हुई है कार्रवाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सामने आ चौंकाने वाला वीडियो, कुछ लोगों ने एक लड़का और लड़की को पीटा, 5 आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली में यमुना किनारे बसे किसानों का हंगामा, एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंची डीडीए की टीम पर किया हमला, तोड़ डाली जेसीबी मशीनें। शाहजहांपुर में इंसाफ के लिए धरने पर बैठी पत्रकार गजेंद्र की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों ने दी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह। पत्रकार गजेंद्र की हत्या पर पहली बार बोले यूपी के सीएम अखिलेश यादव, बहराइच में कहा अन्याय के खिलाफ है समाजवादी पार्टी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पत्रकार गजेंद्र की मौत पर यूपी सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट, कहा क्यों न कराई जाए सीबीआई जांच। प्रेस काउंसिल ऑफ टीम ने गजेंद्र सिंह के परिजनों से की मुलाकात, पत्रकार के पिता और पत्नी की सुनी आप भी थी। इलाहाबाद में भी सुनाई थी पत्रकार गजेंद्र की हत्या की गूंज, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा की शव यात्रा। फर्जी डिग्री मामले में गजेंद्र जितेंद्र तोमर ने का नया ताऊ, मामले में दो आतंकियों पर शक, पुलिस ने रखा 10 लाख का इनाम। लखनऊ में जहरीला प्रसाद खाने से एक ही परिवार के 15 बच्चों समेत 17 लोग बीमार, खोए और पनीर से बनाया गया था प्रसाद। बिहार के वैशाली से विधान परिषद चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार गिरफ्तार, नामांकन के फौरन बाद हुई गिरफ्तारी, थोड़ी देर बाद रिहा हुए अजय कुशवाहा। आसाराम बापू की बड़ी मुश्किल, लगातार चौथी बार पैरवी करने नहीं पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, कल फिर होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, दो महिला आरोपी गिरफ्तार लेकिन मास्टरमाइंड फरार। कोलकाता में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डिगेन कोहली पर हमला, अवैध निर्माण का किया था विरोध। असम में एनडीएफबी उग्रवादी संगठन का कमांडर गिरफ्तार, चिरांग जिले से हुई गिरफ्तारी। हरियाणा के रोहतक में प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर छापेमारी, बीएड की परीक्षा दिलवाने के बदले छात्राओं से लिए थे लाखों रुपए। फिर विवादों में यौन शोषण के आरोपों में घिरे जयपुर के में निम्स के चेयरमैन, पीड़िता के पिता ने लगाया डराने धमकाने का आरोप। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर मुंबई में 1,65,00,000 की लूट, फर्जी आयकर अधिकारी बनकर घर में घुसे थे बदमाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। बैंगलोर में 30 साल पुरानी इमारत की जमीन में दरार आने के बाद दहशत में लोग, बगल में बन रही बिल्डिंग की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के नामी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन कराने वाले गैंग का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को दबोचा। के फरुखाबाद में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की घरवालों ने की हत्या, लड़के के घरवालों ने जमकर बचाया तोड़फोड़। दिल्ली से स्थित गाजियाबाद की मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने के बाद भगदड़, 5 महिला मजदूर घायल। पटना के थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, जेडीयू के पूर्व विधायक रविंद्र राय की पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का आरोप। बुलंदशहर में पुलिस से टकराई रोडवेज की बस, 3 की मौत, चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइविंग के वक्त सो रहा था ड्राइवर। हिमाचल के चंबा में सड़क हादसा, पहाड़ी से नीचे गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। महाराजगंज जेल में बंद विदेशी महिला कैदी ने डिप्टी जेलर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सीजीएम कोर्ट में की लिखित शिकायत। के चौकी इंचार्ज पर भाई की पत्नी ने लगाया यौन छोड़ का आरोप, पति पर एमएमएस बनाकर धमकाने का इल्जाम। यूपी के बाराबंकी में टोल प्लाजा पर हुई फायरिंग को लेकर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री इकबाल पर कसेगा शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई 8 टीमें। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के सदर अस्पताल में 5 दिनों के भीतर 21 बच्चों की मौत, अस्पताल प्रबंधन ने साधी चुप्पी। महाराष्ट्र के नासिक में सिविल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर पर नर्स से छेड़खानी का आरोप, विरोध में हड़ताल पर गई नर्सें। मुंबई के बांद्रा में नशे की हालत में एक महिला का ड्रामा, पुलिस को देख खुद को कार के अंदर किया बंद।
मुंबई के करीब कल्याण में एक महिला कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मिली लाश। ट्रैफिक पुलिस में तैनात थी 35 साल की यास्मीन शेख। मध्यप्रदेश के बैतूल में बाबा रामपाल के सतलोक आश्रम में पहुंची हरियाणा पुलिस की टीम। गुपचुप तरीके से अवैध निर्माण का खुलासा। एमपी के उज्जैन में आईसीआईसीआई बैंक की 6 लाख से ज्यादा की लूट। एटीएम में कैश जमा कराने जा रहे थे कर्मचारी। मैनपुरी में सरकारी स्कूल में मिला 13 साल के बच्चे का शव। 11 जून को लापता हुआ था मासूम। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। पुलिस से लोहा लेने के लिए यूएवी और मोटर बनाना सीख रहे माओवादी। झारखंड पुलिस के हाथ लगी चिट्ठी से हुआ खुलासा। यूपी के फतेहपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। घंटों में दबोचे गए कारोबारियों के अपहरणकर्ता। फिर विवादों में नेस्ले कोयंबटूर में एक महिला ने की सेरेलैक में फंगस होने की शिकायत। पठानकोट में अब बारी दोआब नहर का किनारा टूटने से अफरा तफरी। गांव में घुसा पानी। ऋषिकेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में लापरवाही की हदें। महीनों से महिला शौचालय में लटक रहा है ताला। महिलाओं को होती है परेशानी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात। कई मकानों को किया क्षतिग्रस्त। गांव वालों में खौफ। दिल्ली में दोगुनी महंगी हो सकती है मकानों की रजिस्ट्री। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार 100% तक बढ़ा सकती है सर्कल रेट। गुड़गांव में मंदिर की सीढ़ियों पर मिली 6 महीने की मासूम। कलयुगी मां बाप को तलाश कर रही है पुलिस। इलाहाबाद में हादसे का शिकार हुआ वायुसेना का जैगुआर फाइटर विमान। दोनों पायलट सुरक्षित। पश्चिम बंगाल में बनेगा 6 स्मार्ट सिटी। ममता सरकार ने सिलीगुड़ी, बीरभूम, चुरुलिया, नादिया, हावड़ा और बीरपुर के नाम पर लगाई है मोहर। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी तंत्र की लापरवाही। बारिश में भीग गया रेलवे स्टेशन पर रखी गेहूं की 52,000 बोरियां। यूपी के हरदोई में मुआवजे को लेकर डीएम दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने जारी किया पहला कट ऑफ लिस्ट। अंग्रेजी ऑनर्स के लिए 99% अंकों की दरकार। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू। झारखंड के मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक। कैलाश मानसरोवर के लिए निकला तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। दिल्ली से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया रवाना। कभी बारिश तो कभी बर्फबारी से बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड। स्वेटर और जैकेट में लिपटे नजर आते हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शेराघाट के पास दरक रहा है पहाड़। मलबे के नीचे दब गई कई गांव। हरियाणा के हिसार में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। करीब 5 डिग्री गिरा तापमान। यूपी में तपती धरती पर राहत की बारिश। कई शहरों में बूंदाबांदी के बाद लुढ़का पारा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छाए मानसून के बादल। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार। ताजमहल परिसर में बीएसएनएल ने शुरू की वाईफाई सेवा। लाखों सैलानियों को होगा फायदा। फिल्म हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंची विद्या बालन। महिला सुरक्षा पर चलाई जा रही है वुमेन पावर लाइन का निरीक्षण। हरियाणा के यमुनानगर में बाप बेटी ने एक साथ पास की 12वीं की परीक्षा। अब ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं इंदु और लेखराम। हैदराबाद के बेगमपेट में 10वीं मंजिल पर बना फुटबॉल का मैदान। कृत्रिम घास का किया गया इस्तेमाल। 1200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से होगा किराया। श्रीनगर के डल झील में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की धूम। लुत्फ उठाने के लिए उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। उदयपुर के मदार गांव में खुशी का माहौल। परिवार से मिला 40 साल पिछले
पहले बिछड़ गया शख्स। भूकंप की वजह से करीब 3 सेंटीमीटर खिसक गया माउंट एवरेस्ट, लेकिन ऊंचाई में नहीं आया कोई बदलाव, चीन की न्यूज एजेंसी ने किया दावा।